हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को बीसी का प्रणाम। ऐसे और अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। दोस्तों, 25 अगस्त को रिलीज हुई लाइगर बॉयकॉट के बावजूद भी सिनेमा घरों में कमाई के मामले में धमाका मचा रही है। दोस्तों, पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनने वाली एक स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट ड्रामा फिल्म है लाइगर, जिसके लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन, रौनित रॉय और मकरंद देश पांडे नजर आए हैं। विजय देवरकोंडा ने पैन इंडिया में अपना डेब्यू किया है। के साथ साथ ही मूवी को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में लगभग 3 से 4 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया और 4 हजार स्क्रीन्स पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और 33 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। रहने की बात तो ये है कि इस फिल्म में विक्रांत राणा और कई सारी बड़ी पैन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड्स को इस साल तोड़ दिया है। विजय की इस फिल्म के लिए ऑडियंस के बीच जो एक्साइटमेंट था वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस के जो रिव्यू आए हैं वो काफी नेगेटिव रहे हैं। साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को नेगेटिव रेटिंग दी है। जैसा कि कहते हैं कि आग वहीं लगती है जहां धुआं निकलता है, यही वजह है कि विजय की फिल्म लाइगर जहां अपने पहले दिन तो हिस्टोरिकल ओपनिंग लेने में कामयाब रही, तो वहीं दूसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। बताते चले आपको, कल अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां पुष्पा जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड को अपने पहले दिन हिंदी में तोड़ दिया और लगभग 4 करोड़ की कमाई सिर्फ हिंदी में की। फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने दूसरे 12 करोड़ का रहा, जिससे कि ये फिल्म शुरुआती 2 दिनों में 45 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऑडियंस की तरफ से भले ही इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज ना मिल रहे हों, लेकिन विजय के फैंस इस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस को सराहा है। उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इस फिल्म में हमें देखने को मिली है और यही वजह है कि विजय की इस फिल्म को ऑडियंस अभी भी देखने जा रही है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन यानी कि संडे और आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो लगभग कल की ही तरह 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिससे हिंदी से इस फिल्म की आज की भी एडवांस लगभग 1 करोड़ 50 लाख की है। इस फिल्म ने तेलुगु में भी इसे फिल्म को एडवांस लगभग 1 करोड़ 40 लाख की है। तेलुगु से ज्यादा अच्छी कमाई हिंदी में की थी। वहीं आज के भी कलेक्शन को देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये फिल्म तेलुगु से ज्यादा अच्छी कमाई आज भी हिंदी में करने वाली है। अब ऐसे में फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 150 करोड़ की कमाई करनी है और अब देखना यही है कि क्या विजय की ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बिगेस्ट में भी स्ट्रांग होल्ड कर पाती है या नहीं, और फिर बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित होगी।